हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 2e सॉल्व करेंगे। 2e का पहला प्रश्न है कि यदि fx बराबर x और gx बराबर mod x तो निम्नलिखित फलनों को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे दो फलन f और g दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें दो फलनों का योग, उनका अंतर, उनका गुणनफल और उनका भागफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फलन दिया हुआ है fx बराबर x है, इसका अर्थ ये है कि अगर हम x का कोई मान लेंगे और उसके लिए fx निकालते हैं तो fx x के ही बराबर आएगा। और gx को देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का कोई मान लेके अगर हम gx का मान निकालते हैं तो gx का मान जो होगा इस x के मॉड के बराबर होगा। तो x का मॉड का क्या अर्थ है इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि अगर कोई संख्या मॉड में होती है तो उसका क्या अर्थ होता है। तो अगर कोई भी संख्या मॉड में है तो मॉड हटाने पे वो संख्या धनात्मक हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 4, अगर ये मॉड में है और अगर हमें मॉड हटाना पड़े तो ये संख्या चूँकि पहले से ही धनात्मक है तो हटाने के बाद भी हमें ऐसी ही मिल जाएगी, क्योंकि हमेशा हटाने के बाद संख्या धनात्मक हो जाती है। अब मान लीजिए हमारे पास संख्या है -4 मॉड में, तो अगर अब हम मॉड को हटाएंगे तो मॉड को हटाने पे संख्या -4 जो होगी वो धनात्मक हो जाएगी, यानी ये +4 आ जाएगी। इस तरह से संख्या ऋणात्मक हो या धनात्मक, मॉड हटाने पे हमेशा धनात्मक ही होगी। तो अब हम देख रहे हैं कि जो जी एक्स का मान है, ये मान हम एक्स के अलग अलग मानों के लिए जी एक्स का ये मान जो मॉड एक्स है वो क्या कैसा होगा उसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो हम एक्स ले रहे हैं उसे ही हम दो खंडों में बांट सकते हैं। पहले खंड में हम उन एक्स को लेंगे जिन एक्स का मान धनात्मक होगा और दूसरे खंड में उस एक्स को लेंगे जिसका मान ऋणात्मक होगा। तो हम ऐसा एक्स लेंगे जब एक्स का मान 0 से बड़ा होगा तब धनात्मक हो जाएगा, और ऐसा x जिसका मान 0 से छोटा होगा तो ये x ऋणात्मक हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे x का मान 0 भी हो सकता है, तो उस कंडीशन को हम यहीं पे जोड़ सक देते हैं कि x का मान जब 0 से बड़ा होगा और जब 0 के बराबर होगा तब यहाँ पे x होंगे, और अगर x का मान छोटा है तो इस टाइप का हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इन x के लिए जी एक्स यानी मॉड x का क्या मान होगा। तो अगर x का मान धनात्मक या 0 है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर x का मान 4 ये जो संख्या है धनात्मक है तो मॉड लेने के बाद भी हमें यही संख्या मिल जा रही है। मतलब कि अगर ये संख्या धनात्मक है, x धनात्मक है, तो x का अगर हम मॉड भी लेंगे तो मॉड के बाद हमें फिर से वही संख्या मिल जाएगी। मतलब जी एक्स जो होगा या मॉड एक्स जो होगा वो x के ही बराबर हो जाएगा। वहीं हम देख रहे हैं कि जब x का मान 0 से छोटा या ऋणात्मक है तब मॉड हटाने पे इसका मान धनात्मक हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये जो x है ये पूरा x हो गया। तो अगर ये x है तो हम देख रहे हैं कि जब हम मॉड को हटा रहे हैं तो हमारा मान धनात्मक में आ रहा है। तो अगर x का मान -4 है तो हम देख रहे हैं कि अगर हम एक और माइनस लगाएंगे तब यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी अगर हम माइनस एक्स लेते हैं तो वो बराबर हो जाएगा 4 के। तो हम कह सकते हैं कि अगर x का मान माइनस में होगा तो जो मॉड के बाद मान आएगा वो माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो मॉड x है वो माइनस एक्स के बराबर होगा जब x का मान 0 से छोटा होगा। तो यहाँ पे हमने दोनों फलनों को देख लिया है। यहाँ पे तो हमने देखा कि x का कोई भी मान लेंगे हमेशा मान fx का x ही आएगा, लेकिन यहाँ पे हम x का मान अगर धनात्मक या 0 के बराबर लेंगे तो मान x आएगा, लेकिन ऋणात्मक लेंगे तो मान माइनस x आएगा। अब हमें इन दोनों फलनों का योग ज्ञात करना है, तो f प्लस जी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोनों फलनों के योग को हम किसी संख्या जैसे x पे ऑपरेट करते हैं। तो हमने देखा था कि अगर वास्तविक फलन लेते हैं तो ये बराबर हो जाएगा fx और प्लस gx के, ये फलन दोनों x पे आ जाएंगे। तो अब हम देख रहे हैं, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि gx का ये रूप है, इसीलिए हमें दोनों का योग भी इसी रूप में लिखना पड़ेगा।
तो फर्स्ट कंडीशन जब x का मान 0 से बड़ा है, 0 के बराबर हो, सेकंड कंडीशन जब x का मान 0 से छोटा हो। तो हम देख रहे हैं कि अगर 0 से बड़ा है, 0 के बराबर होगा, तो fx तो x के ही बराबर होगा, क्योंकि ये दिया हुआ है कि हर कंडीशन में fx x के ही बराबर होगा, तो इस कंडीशन में x के ही बराबर होगा। अब उसके बाद इसके बीच में हम प्लस का साइन लगा देते हैं, फिर हम gx देखते हैं। तो जब x का मान 0 से बड़ा है, उसके बराबर है, तो gx जो है ये बराबर है x के, तो हम gx को x के बराबर लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार इस कंडीशन के लिए हम लिखते हैं, तो इस कंडीशन के लिए भी हम देखेंगे कि fx जो होगा x के ही बराबर होगा, हर कंडीशन में fx x के ही बराबर होगा। और फिर हम यहाँ पे प्लस साइन लगा देंगे, और अब gx का मान लिखते हैं, तो इस कंडीशन में gx माइनस x के बराबर है, तो यहाँ पे हम माइनस x लिख देते हैं। अब आगे हम सॉल्व करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये x और x मिलके 2x हो जाएगा, उस कंडीशन में जब x का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं x और x माइनस होकर 0 हो जाएगा, उस कंडीशन में जब x का मान 0 से छोटा है। यानी हम देख सकते हैं कि f प्लस g जो फलन होगा ये बराबर होगा 2x के, जब x का मान 0 से बड़ा है उसके बराबर है, और इसका मान बराबर होगा 0 के, जब x का मान जो है 0 से छोटा है। तो अब आगे के जो प्रश्न हैं वो भी इसी प्रकार से हल करने हैं। यहाँ पे माइनस का साइन है, तो बस इनके बीच में माइनस का साइन आप लेके चलिएगा और सॉल्व कर दीजिएगा, तो ये f माइनस g का मान ज्ञात हो जाएगा। और गुणनफल का साइन या गुड़े का साइन है, तो गुड़े के साइन में भी ऐसे ही करना है, इन दोनों के बीच गुड़े का साइन लीजिएगा। यहाँ पे भी गुड़ा हो जाएगा x गुड़े x, और यहाँ पे x गुड़े माइनस x, तो x गुड़े x x स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, बाकी ये सब सेम रहेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 तक आप हल कर सकती हैं। प्रश्न नंबर 4 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में हमें दोनों फलनों का भागफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर दोनों फलनों के जो भागफल को हम किसी संख्या x पे ऑपरेट करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा fx अपॉन gx के। अब यहाँ पे जो fx और gx का मान है उसे हम रखेंगे, तो इसे हम इस रूप में ही रखेंगे। यहाँ पे भी हम x को दो खंडों के रूप में लेके चलेंगे, पहला x जब 0 से बड़ा है उसके बराबर है, दूसरा x जब 0 से छोटा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि fx का मान ऊपर लेंगे और gx का मान हम नीचे लेंगे। तो हमने देखा था कि fx का मान हर कंडीशन में x ही आता है, तो इस कंडीशन में भी fx का मान x होगा। और gx का मान हमने देखा था कि जब x का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, तो उस कंडीशन में gx x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम gx का मान जो है x रख देंगे। और सेकंड कंडीशन देखते हैं, तो fx का मान तो इस कंडीशन में भी x ही रहेगा, लेकिन gx का मान हम देख सकते हैं कि माइनस x रहेगा, तो माइनस x हम यहाँ पे रख देते हैं। तो माइनस x रखते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, तो x से x कट जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और नीचे x से x कटेगा और ये माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इस फलन का मान 1 होगा जब x 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, और माइनस 1 होगा जब x का मान 0 से छोटा होगा। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें एक फलन दिया हुआ है fx बराबर 1 अपॉन x माइनस मॉड x। तो हमें इस फलन का प्रांत ज्ञात करना है, जबकि दिया हुआ है कि x जो है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से लिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम प्रांत ज्ञात करते हैं, तो हम कंडीशन लगाते हैं कि जो हर होगा उस हर का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चूँकि एफ एक्स जो है फलन इस प्रकार परिभाषित है कि जो हर होगा यानी एक्स माइनस मॉड एक्स, इसका मान जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम ये कंडीशन लगाएंगे, और हम कंडीशन लगा के कि हर का मान 0 के बराबर नहीं है, तो इस तरीके से जो x का मान निकलता है वो x का मान ही प्रांत कहलाता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके हम x का मान निकालेंगे, और जो मान आएगा वही इस फलन का प्रांत हो जाएगा। तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले हम मॉड x का मान निकालते हैं। तो मॉड x का मान अभी हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि अगर x का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा,
तो ये मॉड एक्स एक्स के बराबर होता है, लेकिन अगर एक्स का मान जीरो से छोटा है तो उस कंडीशन में मॉड एक्स जो होगा वो माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। तो चूंकि हमें यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है तो हम देख रहे हैं कि जो मॉड एक्स है वो माइनस में है, तो उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस मॉड एक्स। तो माइनस मॉड एक्स का अगर हम मान देखें तो यहाँ पे भी साइन हो जाएगा माइनस का और यहाँ पे साइन हो जाएगा प्लस का। मतलब जब एक्स का मान ज़ीरो से बड़ा है उसके बराबर है तो मान माइनस एक्स होगा, और जब एक्स का मान ज़ीरो से छोटा है तो उस कंडीशन में अब इसका मान प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा। अब हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए हम इसके आगे एक्स लगा देंगे। तो हम देख सकते हैं ये हो जाएगा x माइनस मॉड एक्स बराबर, इसमें भी हम देखेंगे कि जिनके मान हैं उनके आगे x लग जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स, जब x का मान ज़ीरो से बड़ा है उसके बराबर होगा, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस एक्स जब ज़ीरो का जब x का मान जो होगा ज़ीरो से छोटा होगा। तो अभी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि x माइनस एक्स जो है ज़ीरो हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि x माइनस मॉड एक्स का मान ज़ीरो होगा जब x का मान ज़ीरो से बड़ा है, और 2x होगा जब x का मान ज़ीरो से छोटा है। तो चूंकि हमने fx को इस प्रकार परिभाषित किया है कि इसका मान ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो हम देखेंगे कि x की कौन सी कंडीशन है जिसमें इसका मान ज़ीरो हो जा रहा है, उस कंडीशन को हम हटा देंगे, केवल उसे रखेंगे जब इसका मान ज़ीरो नहीं हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने मान निकाला है इसका मान जो है ज़ीरो हो जा रहा है उस कंडीशन में जब x का मान ज़ीरो से बड़ा या उसके बराबर है, तो इस कंडीशन को हम हटा देंगे, मतलब कि इस x को हम नहीं ले सकते हैं, हम केवल उसी x को लेंगे जब x का मान जो है ज़ीरो से छोटा है, क्योंकि उस कंडीशन में इसका मान 2x के बराबर है। तो हम देख रहे थे कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः फलन fx जो होगा इस प्रकार परिभाषित है कि x का मान ज़ीरो से छोटा होगा। ये हमने यहीं से लिखा है कि हमने पहले लिया था कि fx इस प्रकार परिभाषित है कि इसका मान ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, और इसका मान ज़ीरो के बराबर नहीं होने का मतलब है कि हमें x का मान ज़ीरो से छोटा रखना पड़ेगा। तो हमने देखा था कि इस कंडीशन को लगा के हम हर का जो मान निकालेंगे वही प्रांत होगा, तो हमने यहाँ पे x का जो मान निकालेंगे वो प्रांत होगा। तो हमने यहाँ पे x का मान निकाला है कि वो ज़ीरो से छोटा होना चाहिए, तो ये मान ही प्रांत होगा। तो अगर हम ज़ीरो से छोटे मान को देखें तो संख्या रेखा पे अगर हम देखते हैं तो बीच में ज़ीरो होगा, और इस साइड धनात्मक संख्याएँ होती हैं, और इस साइड हम देखते हैं ऋणात्मक संख्याएँ होती हैं, और ये धनात्मक संख्याएं भी अनंत तक जाती हैं, और ऋणात्मक संख्या भी जो होती है वो माइनस अनंत तक जाती है। तो कंडीशन है कि x का मान ज़ीरो से छोटा होना चाहिए, तो यानी ज़ीरो से छोटा है ज़ीरो से पहले ही संख्या आएंगी। तो हम देख सकते हैं कि इधर की जो भी संख्याएं आएंगी ज़ीरो से पहले की वो सभी इसमें आ जाएंगी, और ये संख्या जो होगी माइनस अनंत तक की हो सकती है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस अनंत से लेके हम ज़ीरो तक की संख्याएं ले सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो माइनस अनंत है वो बहुत बड़ी संख्या है, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, और ना ही इसमें ज़ीरो के बराबर लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम छोटे ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। इन दोनों संख्याओं को हम नहीं लेंगे, बल्कि इनके केवल बीच की संख्याओं को ले रहे हैं। तो इस तरीके से जो फलन fx है उसका प्रांत हो जाएगा माइनस अनंत से ज़ीरो के बीच की वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ही प्रांत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जिसमें हमें फलन दिया हुआ है log mod 4 माइनस एक्स स्क्वायर, हमें इसका प्रांत ज्ञात करना है। तो ये फलन डिफरेंट है, इसमें हम देख रहे हैं कि हमें जो मान है वो log mod में दिया हुआ है। तो प्रांत निकालते वक्त हम ये कंडीशन लगाते हैं कि ये जो मान होगा इसका मान हमेशा ज़ीरो से बड़ा होगा, क्योंकि अगर हम log का मान ज़ीरो के बराबर ले लेंगे तो log ज़ीरो का मान अनंत हो जाता है, और अनंत हो जाने पे जो फलन होगा वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो fx है वो इस प्रकार परिभाषित है कि 4 की ये जो मान है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान हमेशा ज़ीरो से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे खोलें तो हम देख सकते हैं कि एक बार हम ब्रैकेट में लिखेंगे ए माइनस बी, या और दूसरी बार लिख सकते हैं ए प्लस बी, और ये मान जो होगा ज़ीरो से
बड़ा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि दो संख्याएं हैं, एक 2-x और एक 2+x। इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ये 0 से बड़ा है, तो इसके दो कंडीशन हो सकती है। पहला तो ये दोनों संख्याएं धनात्मक हों, जैसे मान लीजिए 4 और 5 दोनों ही धनात्मक संख्याएं हैं तो इनका गुणनफल भी धनात्मक होगा। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर दोनों ही संख्याएं ऋणात्मक हों, जैसे -4 और -5। तो हम देखते हैं कि दो ऋणात्मक संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो ये भी एक धनात्मक संख्या ही आ जाएगी, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा करने पे प्लस हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम इस यहाँ पे एक्स का मान निकालने के लिए हम इन्हीं दोनों कंडीशन को लगाएंगे। तो पहली कंडीशन में हम इन दोनों को धनात्मक रख रहे हैं, यानी इसका मान 0 से बड़ा रख रहे हैं, और दूसरी कंडीशन में हम इन दोनों का मान ऋणात्मक यानी 0 से छोटा रख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट कंडीशन से x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 > x हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि x का जो मान होगा वो 2 से छोटा होगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और सेकंड हम देखें तो हम 2 को ही इस साइड ले जाएंगे, क्योंकि x जो है वो पहले से ही धनात्मक है, तो x > -2 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों कंडीशन को लगाने पे हमारा x का मान किस प्रकार का होगा। तो अगर हम संख्या रेखा का उपयोग करें तो मान लेते हैं बीच में 0, फिर 1, 2, 3 और इस साइड -1, -2 और -3 है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो संख्या है उस संख्या x का मान जो होगा वो 2 से छोटा होगा। तो 2 से छोटा का मतलब है कि 2 से पहले की कोई संख्या आ सकती है, लेकिन 2 नहीं लिया जा रहा है इसलिए हम छोटे ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं। और सेकंड कंडीशन है कि x का मान जो है वो -2 से बड़ा होगा। तो ये -2 है, इससे बड़ी संख्या इसके आगे की होंगी, तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं। और -2 को नहीं लेना इसलिए हम छोटे ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर कोई संख्या 2 से छोटी और -2 से बड़ी है तो वो संख्या इनके बीच की कोई संख्या हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो x होगा वो x का जो मान है वो हमें इन दोनों के बीच ही लेना है, यानी वो -2 और 2 के बीच की कोई वास्तविक संख्या हो सकती है। तो ये हमने पहले कंडीशन लगा के x का मान निकाल लिया। अब सेकंड कंडीशन से निकालते हैं। तो हम देख रहे हैं कि x को इस साइड भेजेंगे तो x प्लस में हो जाएगा, इसका अर्थ हुआ कि x का मान 2 से बड़ा होगा। अब सेकंड में हम 2 को इस साइड भेजते हैं क्योंकि x पहले से ही धनात्मक है, तो ये -2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें दो कंडीशन मिल रही है, पहली कि x का मान जो है 2 से बड़ा होगा, और दूसरी कंडीशन है कि x का मान जो है -2 से छोटा होगा। तो हम इन दोनों कंडीशन को लगा के देखेंगे कि संख्या किस प्रकार की है। तो x का मान 2 से बड़ा होने का अर्थ है कि 2 के आगे की कोई संख्या होगी, तो 2 के आगे की यानी इस आगे की संख्या रेखा पे कोई संख्या हो सकती है। सेकंड कंडीशन है कि -2 से छोटा होना चाहिए, तो -2 से छोटी उसके पहले की संख्याएं हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस साइड जो है जितनी भी संख्याएं आएंगी वो -2 से छोटी होंगी। तो हमें कोई संख्या ज्ञात करनी है जो इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा हो। तो हम देख रहे हैं कि अगर वो संख्या -2 से छोटी है तो कभी भी 2 से बड़ी नहीं हो सकती, और अगर 2 से बड़ी है तो कभी भी -2 से छोटी नहीं हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं कि ऐसा x का मान जो है संभव नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम x का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि x का मान जो हमें ज्ञात हुआ है, चूँकि वही प्रांत होता है इसलिए प्रांत जो होगा फलन का हो जाएगा -2 से 2 के बीच की वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इसी प्रकार से आप प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को भी हल कर लीजिएगा, और फिर प्रश्नावली 2F जो कि ऑप्शनल है इसे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, और प्रश्नावली 2G भी ऑप्शनल है इसे भी आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद एक्सरसाइज जो है कम्प्लीट हो गई है, और अगली वीडियो में अब हम अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे।